आज की इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स, डीएमआई फाइनेंस की तरफ से आपको गूगल पे एप्लीकेशन में प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन दिया जाता है। इस लोन को आप इंस्टेंट अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, यहाँ पे हम आपको इस लोन को अप्लाई करने का कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें। इसी तरह हम आपके लिए लोन से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आ गए हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लोन्स, आपको लोन्स पे क्लिक कर देना है। लोन्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ऑफ़र्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन्स फ्रॉम डीएमआई फाइनेंस। तो हमें यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस की तरफ से लोन ऑफ़र दिया जा रहा है। यहाँ पे जो आपका लोन अमाउंट देखने को मिल रहा है 10,000 रुपये से लेकर के 8,00,000 रुपये तक आप यहाँ पे लोन अवेल कर सकते हैं। इसके बाद मंथली रीपेमेंट स्टार्ट एट 500 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। टेन्योर मंथ यहाँ पे 6 मंथ ओवर लॉन्गर, तो यहाँ पे 6 मंथ से ज़्यादा भी आपको यहाँ पे टेन्योर मंथ देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे 15% देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपको लोन का रिक्वायर है तो यहाँ पे आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे हम इस लोन को अवेल करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स में सबसे पहले आपको मेल आईडी देखने को मिलेगा, इसके बाद मोबाइल नंबर, नेक्स्ट आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे पिन कोड इंटर करना होगा। आप अपने घर का पिन कोड यहाँ पे दे सकते हैं और जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का भी पिन कोड आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पिन कोड को इंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन कोड इंटर कर दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पे जो पिन हो गया है, लिखा गया है इंटर योर पैन कार्ड डिटेल्स। अब आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नेम फिल करेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे इन दोनों डिटेल्स को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेम और पैन कार्ड नंबर मैंने इंटर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद चूज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप यहाँ पर एक बिजनेस मैन हैं या एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सैलरीड को। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इंटर योर मंथली इनकम, आपका जो भी मंथली इनकम है उसको आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे मैं अपना मंथली इनकम इंटर कर देता हूँ फ्रेंड्स। मंथली इनकम इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐड योर करेंट एड्रेस, आपका जो भी करेंट एड्रेस है यहाँ पे आप फिल करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे चूज योर रेसिडेंट टाइप, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा खुद का घर है, चलिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑनेड को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा परमानेंट एड्रेस इज सेम करेंट एड्रेस। अगर सेम यही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट योर करेंट एड्रेस, आप जिस एड्रेस पर रह रहे हैं आपको कितना ईयर्स और कितना मंथ हो गया है, यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इंटर कर देता हूँ 30 ईयर्स और 4 मंथ हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको इंटर कर दिया और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इंटर योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है, आपको यहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना होगा। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम फिल कर देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का नेम फिल कर दिया और नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है टोटल वर्क एक्सपीरियंस, आपको काम करते हुए कितना ईयर्स हो गया, यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 10 ईयर्स हो गया है, मैं फिल कर दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एड योर
योर वर्क एड्रेस, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का एड्रेस आपको देना होगा। तो यहाँ पे हम ऐड वर्क एड्रेस पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐड न्यू एड्रेस, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आप इस तरह से एड्रेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं मैप में भी। और यहाँ पर अगर आप करेंट एड्रेस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक आइकन देखने को मिलेगा लोकेशन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका करंट एड्रेस देखने को मिल जाएगा आप जहाँ पर काम करते हैं अगर आप उस लोकेशन पे हैं तो। फ्रेंड्स यहाँ पे हम उस लोकेशन पे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म लोकेशन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर या यूनिट नंबर फिल कर देना है और नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे, ये आपके लिए ऑप्शनल है। और यहाँ पे थर्ड में दिया गया है लैंडमार्क, ये भी आपके लिए ऑप्शनल है। और नेक्स्ट आपके यहाँ पे सेव एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एड्रेस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एड्रेस यहाँ पे सेव हो गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाता है, आपको जितना भी लोन का रिक्वायर है यहाँ पे आप लोन अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस दिया गया है, इसको आपको चेकबॉक्स को टिक कर देना है। यहाँ पे मैं चेकबॉक्स को टिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP आप यहाँ पर इंटर करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सबमिट अप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लोन अमाउंट वगैरह दिखेगा और नीचे यहाँ पर आपको टेन्योर मंथ दिखेगा, टेन्योर मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है कितने मंथ के लिए आप लोन अवेल करना चाहते हैं। यहाँ पे टेन्योर मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको रिव्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। रिव्यू डिटेल्स में यहाँ पे आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाता है जितना आप लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, और वन टाइम प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर GST चार्ज आपको कितना लग रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया टोटल इन योर अकाउंट, यहाँ पर आपके अकाउंट में कितना बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाएगा लोन अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद चलिए यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। इसके बाद मनी टू बी पेड बैक, यहाँ पे आपको लोन अमाउंट देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24.5% ईयरली आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा 15% इंटरेस्ट रेट। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है, अब आपको यहाँ पे स्टार्ट KYC पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको KYC कंसेंट देना होगा, यहाँ पे हम चेकबॉक्स को टिक किया और आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है, आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP आएगा, OTP आप यहां पे इंटर करेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अलाउ करेंगे, यहाँ पे आपको एक सेल्फी लेना होगा। चलिए यहाँ पे हम अपना एक सेल्फी ले लेते हैं। सेल्फी लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सेटअप बैंक डिटेल्स देना होगा, चलिए यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। बैंक डिटेल्स में यहाँ पे आप नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने बैंक का नेम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप और यहाँ पे अकाउंट नंबर, और नेक्स्ट यहाँ पे IFSC कोड और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन टिक हो गया है बैंक डिटेल्स वाला ऑप्शन। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिव्यू लोन एग्रीमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मंथली रिपेमेंट अमाउंट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपका टैक्स एंड फीस चार्जेस कितना लग रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मनी इन योर अकाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कितना आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, टोटल ऑनेड यहाँ पे आपको कितना पे करना होगा टोटल अमाउंट। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लेना है, यहाँ पे एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको आपको टिक कर देना है और नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर लोन इज अप्रूव्ड एंड ऑन द वे योर बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप गूगल पे एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, चैनल से आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइस नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।